हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडी फाइव दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ दाल की स्पेशल रेसिपी। आपने तुअर दाल, चना दाल और मूंग दाल जैसी कई दाल खा रखे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हरी मटर की दाल। इस तरह से बनाएंगे हरी मटर की दाल कि आप भी कहेंगे कि इतना स्वादिष्ट पहले हमने क्यों नहीं बनाया, और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए बिना समय गवाए बनाते हैं स्वादिष्ट हरी मटर की दाल, वो भी आसान और सरल तरीकों से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। हरी मटर की दाल बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मटर, जो कि अभी ठंड के सीजन में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, पर आप चाहें तो पैकेट वाले हरी मटर भी ले सकते हैं। हरी मटर को छीलने के बाद इन दानों को हम छीलकर धो लेंगे। हमने यहाँ एक बॉल मटर के दाने लिए हैं, जिसे धोने के बाद इसे हम कुकर में उबालेंगे। कुकर में मटर के दाने को उबालते समय हम इसमें डालेंगे कुछ कलियां लहसुन की, कुछ टुकड़े अदरक के, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़े से नमक। इन सभी को डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से पानी। पानी को डालने के बाद कुकर बंद कर देंगे और लगभग 10 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। पकाते समय ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, ताकि कुकर सीटी ना दे सके। 10 मिनट हो चुके हैं, अब कुकर भी ठंडी हो चुके हैं और साथ में हमारे मटर के दाने भी पक चुके हैं। अब इन सभी को हम छानकर पानी से अलग कर लेंगे, लेकिन बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इन सभी को मिक्सी में स्मूथ पीस लेंगे। पीसे हुए पेस्ट को पानी में हम घोल लेंगे, जो कि मटर उबालते समय निकला था। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हल्का सा पतला कर लेंगे। आप इसे अपने अनुसार गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अब इस दाल में हम तड़का लगाएंगे, जिससे कि बढ़ेगा मटर दाल का स्वाद। तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ सरसों तेल भी ले सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इन सभी को अच्छे से तेल में चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटे हुए, 1 प्याज जब अच्छे से भुना जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए और साथ में डालेंगे थोड़े से नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। ध्यान दीजिएगा कि हमने नमक मटर उबालते समय भी डाला था। टमाटर के पक जाने के बाद इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन मसालों को अच्छी तरह से प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई मटर, जिसे हमने पहले ही डाइल्यूट कर रखा था। इन दालों को मसाले के साथ मिला लेने के बाद इसमें 1 से 2 बार उबाल आने देंगे। जब दाल में 1 से 2 बार उबाल आ जाए तो समझ जाइए कि दाल आपकी रेडी हो चुकी है। आप गैस बंद कर दें। तो तैयार है आपके स्वादिष्ट हरी मटर की दाल। इसे आप सर्व करें अपने लंच और डिनर में, या फिर साथ में हो चावल तो स्वाद दुगना मिलेगा। वैसे आप चाहें तो आप इसे रोटी के साथ भी ले सकते हैं, स्वाद में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा,
तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक शानदार और चटपटी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।